आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह से सिर्फ डंबल्स की हेल्प से आप अपनी बाइसेप्स की मसल को ग्रो कर सकते हैं। आज मैं कोई भी रॉड या मशीन की वर्कआउट नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ डंबल्स की वर्कआउट बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल परफेक्टली अपने बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल रॉकी हेल्थ एंड फिटनेस। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं कि बाइसेप्स की मसल्स यूथ की पहली पसंद होती है। सब लोग तगड़े डोले बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बाइसेप्स की मसल्स को बनाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि किस तरह से आप सिर्फ डंबल्स की हेल्प से एक परफेक्ट बाइसेप्स को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाएं स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सिर्फ दो डंबल आप घर पे भी रख सकते हैं और एक परफेक्ट बाइसेप्स की मसल्स को अचीव कर सकते हैं। जो पहली वर्कआउट है वो है डंबल कर्ल। ये बहुत ही बेसिक वर्कआउट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस वर्कआउट को करने के लिए आपको किसी बारबेल की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, एक परफेक्शन में वर्कआउट को करना, सही फॉर्म में करना, सही पोस्चर में करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बाइसेप्स की मसल सही तरीके से डेवलप हो, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से वर्कआउट करनी चाहिए। जो फर्स्ट वर्कआउट है वो है डंबल कर्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहें तो दोनों हाथों को एक साथ भी मूव कर सकते हैं या सिंगल डंबल अल्टरनेट डंबल कर्ल भी कर सकते हैं। और इस वर्कआउट को आप किसी बेंच में बैठ के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक सफिशियंट टू वेट्स होने चाहिए डंबल के, और आप इसे कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ, आपकी पोस्चर सही होनी चाहिए, आपके करने का तरीका सही होना चाहिए। तो ये हो गई फर्स्ट वर्कआउट। जो सेकंड वर्कआउट है वो है डंबल प्रीचर्स कर्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वर्कआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हमारी बाइसेप्स की पीक परफेक्ट बनती है, बिल्कुल राउंड शेप में आती है। और जब आप अपने बाइसेप्स के पोज को मारते हो तो आपकी जो राउंड शेप निकलती है वो इसी वर्कआउट से निकलती है। इसके लिए आपको कोई रॉड की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इस वर्कआउट को डंबल से परफॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। हाँ, सही तरीके से परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई आपकी सेकंड वर्कआउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्कआउट फॉर योर लॉन्ग हेड। आपकी बाइसेप्स की लॉन्ग हेड के लिए बहुत ही अच्छी वर्कआउट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है। अगर आप इस वर्कआउट को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है स्पाइडर कर्ल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें भी आपको सिर्फ दो डंबल्स की ज़रूरत है। इसके लिए आपको किसी बारबेल या मशीन की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, और इसका नतीजा बहुत ही अच्छा आता है। सभी लोग जानते हैं कि डंबल की वर्कआउट से हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से मस्कुलर होती है। इस वर्कआउट को आप डंबल के ज़रिए परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। या दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट फॉर योर साइड बाइसेप्स। ये आपकी पीक को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप करता है, जिसके लिए आपको एक सफिशियंट वेट की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक डंबल से इस वर्कआउट को आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप जितने सही तरीके से परफॉर्म करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं करते हो तो आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। ये सारी वर्कआउट में फ्रेंड्स आपको किसी बारबेल या मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है डंबल हैमर कर्ल। या दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट फॉर योर बाइसेप्स लॉन्ग हेड। अगर आप चाहते हो कि आपकी लॉन्ग हेड पूरी तरह से डेवलप हो, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो लॉन्ग हेड होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इससे हमारे बाइसेप्स, हमारे डोले, हमारे आर्म्स बहुत ही परफेक्ट और भरे हुए नज़र आते हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लगते हैं। ये वर्कआउट को लास्ट में आपको बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए। इसको सही वेट से और सही तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। ये सारे वर्कआउट आप लोग सिर्फ डंबल के ज़रिए कर सकते हो और एक अच्छी बाइसेप्स अचीव कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इन सारे वर्कआउट्स को आप परफॉर्म करें, इन सारे वर्कआउट्स को आप घर पे भी कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।